हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो पे। निम्मी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेल्डर ट्रेड के सेट वन को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी पिछली वीडियोस में हमने फिटर फर्स्ट ईयर के 3 सेट और सेकेंड ईयर के 3 सेट को कम्प्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेल्डर ट्रेड को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सेट वन को डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जा करके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज कॉमन इन गैस बेल्डिंग। बेसिकली गैस बेल्डिंग जब प्रक्रिया की जाती है तो उसमें से कौन सी ऐसी यहाँ पर प्रक्रिया है जो कि कॉमन इंजरी होती रहती है बेल्डर को। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक शॉक लगना, या बर्स्ट ड्यू टू फ्लेम, या ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, या फिर इंजरी बाय हॉट फ्लाइंग पार्टिकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है बात किसकी की गई है, गैस बेल्डिंग की बात की गई है। तो गैस बेल्डिंग की बात की गई है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक तो लगेगा नहीं, क्योंकि बेल्डिंग किसके द्वारा हो रही है, गैस के द्वारा हो रही है। अब ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, यहाँ पर ब्लीडिंग का कोई यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता, इंजरी का कुछ ऐसा काम ही नहीं है यहाँ पर। और इंजरी ड्यू टू हॉट फ्लाइंग पार्टिकल्स, ये भी आपका बेसिकली नहीं होगा, यहाँ पर होगा बर्न्स ड्यू टू फ्लेम। बेसिकली जब हम गैस बेल्डिंग प्रयोग करते हैं तो उसके फ्लेम के कारण अक्सर क्या होता है, जो बेल्डर होते हैं उनको थोड़ा बहुत वहां पर जल जाता है, जलन होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज द ट्रीटमेंट गिवन टू ए पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन स्पॉट। मौके पर या दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। तो बेसिकली जब कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना या तुरंत डॉक्टर को बुलाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इससे पहले जो हम उसे बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे कहा जाता है फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, फर्स्ट एड या फिर प्राथमिक चिकित्सा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज टू वियर फॉर सेफ्टी व्हाइल हैंडलिंग थिन सीट। पतली चादरों को हैंडल करते समय या संभालते समय कौन से सुरक्षा उपकरण को यहाँ पर अपनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास टोंग्स, क्लैंप, हैंड ग्लव या फिर हैंड स्क्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड ग्लव्स, हाथ के दस्ताने का हम प्रयोग करते हैं जब हम पतली सीट को क्या कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, उस पर कोई काम कर रहे होते हैं। जो पतली सीट होती हैं काफी शार्प होती हैं तो उससे कटने का भय रहता है कि कहीं आपको कट लग सकता है हाथ में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं जब भी पतली चादर को हैंडल कर रहे होते हैं। टोंग्स का प्रयोग कब करते हैं, तो बेसिकली किसी आपका मेटल्स को उठाने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए, मान लीजिए आप उस पर कोई हैमरिंग कर रहे हैं, कोई अदर ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे फोर्जिंग वगैरह में जो गर्म जाप होते हैं उसको उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टोंग का प्रयोग करते हैं। क्लैंप का बेसिकली प्रयोग किया जाता है होल्डिंग के टाइम पर। हैंड स्क्रीन बेसिकली प्रयोग करते हैं जब हम बेल्डिंग कर रहे होते हैं तो चेहरों को बचाने के लिए, वहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हैंड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड ए वेल्डर यूनिफॉर्म बी फ्री ऑफ ऑयल और ग्रीस फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय जो वेल्डर की वर्दी है, जो वेल्डर जो ड्रेस पहने होता है, वो ऑयल या ग्रीस से मुक्त क्यों होनी चाहिए, उस पर ऑयल या ग्रीस क्यों नहीं लगा होना चाहिए। तो बेसिकली जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक, तो वेल्डिंग करते समय जो फ्लेम्स होती है, चाहे आपकी आर्क वेल्डिंग हो या गैस वेल्डिंग हो, तो अगर वर्दी पर उसके ड्रेस पर ऑयल या ग्रीस लगा होगा तो उससे क्या होगा, वो कैच टू फायर का चांस होगा, वहां पर आग लगने की संभावना होती है। तो इसलिए ऑयल और ग्रीस वहां पर नहीं लगा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू अवॉइड कैचिंग फायर, आग पकड़ने से बचाने के लिए बेसिकली उस पर जो भी ऑयल ग्रीस है ऐसा कोई तैलीय पदार्थ लगा नहीं होना चाहिए, फुल आपका ड्राई होना चाहिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस व्हाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेस निकलती हैं, कुछ स्पार्क्स वगैरह भी निकलते हैं, ठीक है, तो उससे छोटे छोटे वहां पर चिंगारियां भी निकलती हैं, तो वो सभी से चेहरे की रक्षा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं हैंड शील्ड का। किसका प्रयोग करते हैं,
हैंड सील का। अदर ऑप्शन देख लो तो टोंग आपका बेसिकली मेटल होल्डिंग के लिए, ट्राई स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायरनेस चेकिंग के लिए, ठीक है, या फ्लैटनेस की चेकिंग के लिए। चिपिंग हैमर जो एक्स्ट्रा वहाँ पर स्लेज जमा हो जाता है, जो एक्स्ट्रा वेल्डिंग का जो स्लेग जमा हो जाता है उसको हटाने के लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस को देख कर भी यहाँ पर आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑपरेशन इज टू रिमूव बर्स फ्रॉम ए प्लेट आफ्टर कटिंग। काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो आप सभी को पता है जब आप कटिंग कर लेंगे, मान लो हैक्सा से कटिंग कर रहे हैं, कटिंग के बाद उसमें कुछ बर्स रहते हैं, कुछ शार्प एजेस टाइप रहते हैं, तो उसको हटाने के लिए, उसको प्रॉपर क्लीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो उस केस में हम प्रयोग करते हैं फाइलिंग। तो कटिंग के बाद किसका प्रयोग करेंगे, फाइल। फाइल के द्वारा वहां पर जो भी बर्स वगैरह होगी उसको हम क्लीन कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, Which tool is used for handling hot metals? गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, टोंग्स या फिर चिमटे का प्रयोग करते हैं गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा किसमें, फोर्जिंग करते टाइम वहाँ पर जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टोंग्स का प्रयोग किया जाता है। ये साउल क्या होता है, बेसिकली इसका प्रयोग हम फोर्जिंग में करते हैं, जो हमारी फोर्जिंग फर्नेस होती है उसमें कोयले को डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है साउल। रैक पोकर का प्रयोग बेसिकली किया जाता है वहाँ पर जो आपकी क्रिंकलर्स होते हैं उसको हटाने के लिए, और जो आपकी फ्रेश फायर होती है उसको कांटेक्ट में लाने के लिए यहाँ पर पोकर का प्रयोग करते हैं। स्प्रिंकलर बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है वहां पर पानी को छिड़कने के लिए, किसमें, फोर्जिंग शॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ हैमर फिट्स इनटू हैंडल फॉर इट्स रिजिडिटी। हथौड़े का कौन सा हिस्सा है जो इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। बेसिकली ये आपका कोई हैमर हो गया, हैमर में हमने क्या फिट कर दिया, हैंडल फिट कर दिया, ठीक है। अब जो हैमर का ये हैंडल जहां हम आई होल को फिट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसके करेक्ट शेप और साइज में हो जाकर के यहाँ पर एग्जैक्टली बैठ जाए। तो हैंडल क्या होता है, कुछ ढीला सा रहता है, हैमरिंग करते समय ये निकल सकता है, तो निकले ना, प्रॉपर वो फिट हो सके, प्रॉपर वहाँ टाइट हो सके, लूज ना रहे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर एक्स्ट्रा से कुछ वेज लगा देते हैं, ठीक है, इधर साइड से कुछ हम वेजेस लगा देते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछने का वो कोशिश कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा, जिससे कि हैंडल हमारा लूज होके बाहर ना निकले और कोई एक्सीडेंट ना हो सके। फेस बेसिकली आपका पार्ट होता है, पिन, पिन बेसिकली आपका ये डाउन वाला पार्ट होता है, और चीक के मीडियम ये आपका जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसे हम चीक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एक क्लेम्प दिखाया गया है, बोला गया है ये कौन सा क्लेम्प है, तो इस क्लेम्प का नाम क्या है, बेसिकली देख पा रहे हैं किस प्रकार की आकृति में है, तो ये कुछ सी टाइप में है, ठीक है, सी टाइप में है, तो आप चेहरे उसके शेप से देखकर पहचान सकते हैं ये क्या हो जाएगा, सी क्लेम्प हो जाएगा। बेसिकली जब हम किसी वुड वर्किंग पे या फिर किसी मेटल पे कोई वर्किंग कार्य कर रहे हैं उसको हमें होल्ड करना होता है, तो उस समय किसका प्रयोग करते हैं, सी क्लेम्प का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऊपर बिंग नट लगा होता है जिसकी सहायता से इसे फ्रिक्वेंटली ओपन और क्लोज काफी इजिली किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच फाइल इज हैविंग इट्स विड्थ पैरेलल थ्रू आउट इट्स लेंथ। किस फाइल की चौड़ाई पूरे लंबाई तक समानांतर होती है। तो ये कौन सी फाइल होती है, ये आपकी होती है हैंड फाइल, इसी को हम सेफ एज फाइल के भी नाम से जानते हैं, जिसके एक सिरे पर क्या होता है, बेसिकली जो एक एज होती है वो सेफ होती है, उस पर दांते नहीं कटे होते हैं, जिसकी सहायता से हम जो राइट एंगल पे कोई जॉब फिनिश की हुई होती है उसकी एक साइड को प्रोटेक्ट करना होता है, वहां पर इसका प्रयोग बेसिकली हम करते हैं। फ्लैट फाइल आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू सेफ के अनुसार हो गई, रेस्ट कट फाइल अकॉर्डिंग टू आपकी कट के अनुसार हो गई, इसका प्रयोग बेसिकली वुड वर्किंग के लिए किया जाता है, लेदर के लिए बेसिकली प्रयोग करते हैं, काफी शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं। कर्व कट फाइल ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू कटिंग के अनुसार है, कुछ कर्व शेप में आपके दांत यहाँ पर कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप टू फिट द हैंडल रिजिडली। हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है। बेसिकली पूछ रहा है कि जो हम हैंडल फिट करते हैं हैमर में, तो वो जिस पार्ट में फिक्स करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आई होल। आई होल में हैंडल क्या होता है, फिट होता है, ठीक है।
जो कि हमने आपको ऊपर वाले फिगर में दिखाया था जब हैमर यहाँ पर हमने बात की थी। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका आई होल का पार्ट है, यहाँ वाला जो आपका पार्ट है इसी को क्या कहते हैं, आई होल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही ओवल शेप पे बनाया जाता है जिससे कि हैंडल को वहां इजिली फिट करके उसमें ब्रेज को लगाया जा सके आई होल में। व्हाट हैपन इफ ब्रेंच वाइस इज ओवर टाइटेंड, अगर ब्रेंच वाइस को हम ज्यादा टाइट कर देते हैं, ओवर टाइट कर देते हैं, तो उसका कौन सा पार्ट डैमेज होता है यहाँ पर पूछा गया है। तो ब्रेंच वाइस को ओवर टाइट करने से उसका स्पिंडल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा, उसका स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। किसका, ब्रेंच वाइस का, जो कि आपकी बेंच पर फिक्स करके नॉर्मल कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which tool is to be used to remove slag on welded bead? Welded bead पर बेसिकली जो slags जमा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हो जाते हैं, उसको हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर ही हमने डिस्कस किया था स्लेग को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चिजल का प्रयोग बेसिकली कटिंग के लिए किया जाता है, ट्राई स्क्वायर मेजरिंग के लिए, बाल पिन हैमर है बेसिकली रिविटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का एक बेसिकली यहाँ मेथड दिखाया गया है और पूछा गया है ये क्या मेथड है। तो बेसिकली जब कोई भी कारीगर मान लो आर्क वेल्डिंग कर रहा है, आर्क वेल्डिंग करते हैं इसमें सपोज दैट उसे एक्सीडेंटली जो आर्क का शॉक लग जाता है, बिजली का झटका लग जाता है, तो जिससे क्या हो जाता है, वो आदमी बेहोश हो जाता है। तो बेहोश होने के बाद मान लीजिए उसकी सांसें चल रही हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके सारे कपड़े वगैरह को ढीला करके यहाँ पर बटन वगैरह खोल करके उसको कुछ इस अवस्था में हम लिटा देते हैं जिससे कि उसको कुछ देर रेस्ट मिल सके और वो क्या हो, अनकॉन्शियसनेस से बाहर आ सके और जो भी उसे बेसिक ट्रीटमेंट है वो दी जा सके। जैसे उसकी सांस वांस को चेक करना है कि चल रही है कि नहीं है, प्रॉपर रूप से इसे गर्म रखना है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन की जरूरत पड़े तो वो देना है। तो बेसिकली कहाँ है ये दिखा रहा है कि कोई शॉक लगा व्यक्ति है जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक रेस्ट पोजिशन में लेटाए हुए हैं। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है इलेक्ट्रिक शॉक को, ठीक है, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट एक्शन टेक्स इफ सीवियर ब्लीडिंग, यदि गंभीर रक्तस्राव हो तो क्या करना चाहिए। तो जब भी कोई ब्लीडिंग होती है किसी कट की वजह से, वहां पर रक्तस्राव होने लगे, तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें जहां पर भी कट हुआ है वहां पर हमें दबाव डालना चाहिए। तो अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड, जो भी घाव है वहां पर हमें क्या करना है, तेजी से काफी अच्छे से वहां पर प्रेशर अप्लाई करना है। और मान लो उस केस में भी नहीं रुक रहा है तो उस पर कुछ आपका बैंडेज वगैरह बांध करके फिर से हमें वहां पर प्रेशर अप्लाई करना चाहिए जिससे कि घाव को बढ़ने से रोक सके, वहां पर रक्त का जो प्रवाह है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो क्या करना है, आपको घाव पर दबाव डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द गैस सिलेंडर आर केप्ट इन वर्कशॉप, तो बेसिकली जब वर्कशॉप है या जो बिल्डिंग शॉप है वहां पर जो गैस सिलेंडर होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हो, एसीटिलीन गैस सिलेंडर हो, आर्गन गैस सिलेंडर हो, ठीक, कोई भी गैस सिलेंडर हो, तो गैस सिलेंडर को हम वर्कशॉप में किस पोजिशन में रखते हैं, लेटे हुए, ले डाउन पोजिशन में, या फिर वर्टिकल पोजिशन में, इंक्लाइन पोजिशन में, या सपोर्ट विद द अदर सिलेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्टिकल पोजिशन में। उसको किस स्थिति में रखा जाता है, उसको हम ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से खड़ी स्थिति में यहाँ पर हम सिलेंडर को रखते हैं। तो यही ये पूछ रहा है कि इस स्थिति में बेसिकली यहाँ पर सिलेंडर को क्यों रखा जाता है। तो इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण मान लीजिए जब यहाँ पर आप इसको वर्टिकल कंडीशन में रखते हैं तो क्या होती है, इसको स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, एक क्या होता है, स्टेबल होता है। अभी इसको आप कुछ इस कंडीशन में रख दो तो यहाँ पर आपको कुछ सपोर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये रोलिंग करता रहेगा, ठीक है, तो ये स्टेबल पोजिशन नहीं रहेगी। वर्टिकल की आपकी एक स्टेबल पोजिशन हो गई। दूसरी, यहाँ पर आपको मान लो होस कनेक्शन वगैरह करने हैं, ठीक है, पाइप निकालने हैं, तो आसानी से यहाँ आप ओपन क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर जो की होती है, ठीक है, जिसके द्वारा हम यहाँ वाल्व को ओपन क्लोज करते हैं, उसको भी आसानी से हम लगा हुआ छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जब ये हमारा वर्टिकल कंडीशन में खड़ा होता है तो जैसे कि आपको पता है इसके अंदर क्या होती है, जो गैसेस होती है लिक्विड फॉर्म में भरी होती है, ठीक है, तो जब कुछ इस प्रकार से खड़े पोजिशन में रहेगा तो जो लिक्विड है बेसिकली क्या है, वो हैवी होने के कारण नीचे रहेगी और जो आपका गैसीय पार्ट हो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, गैस वाला पार्ट हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, इजीली जब इसको यूज में लाएंगे तो गैसेस ये आपकी बाहर
निकलेंगे। अगर इसको क्या हम करेंगे, ले डाउन पोजीशन में रख देंगे, तो यहाँ पर से इसके लिक्विड के निकलने की संभावना होती है, जो कि काफ़ी डेंजरस होती है। इन केस अगर कुछ क्रैकिंग वगैरह है तो यहाँ पर इसके लीकेज की भी संभावना हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों से बचाने के लिए, ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हम इसको क्या करते हैं, वर्टिकल कंडीशन में ही रखते हैं वर्कशॉप में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ वेल्डिंग टार्च, वेल्डिंग टार्च का क्या उपयोग है। तो बेसिकली आप लोगों ने गैस वेल्डिंग की स्थिति में वेल्डिंग टार्च का उपयोग किया होगा, जिसमें बेसिकली आपकी दो पाइप कनेक्शन आती है, ऑक्सीजन एसिटिलीन, फिर यहाँ पर आपका मिक्सिंग चैम्बर होता है, इसके बाद फाइनल आपका नोजल के थ्रू गैस निकल के जाती है। बेसिकली वेल्डिंग टार्च का काम क्या होता है, तो दोनों गैसों को क्या करती है, मिक्स करती है। सो मिक्सिंग द गैसेस, गैसेस को मिक्स करने के साथ साथ गैसेस को फ्लो करने का भी उसका काम होता है। साथ ही में इसमें रेगुलेटर लगे होते हैं, जिसके द्वारा हम गैसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें की जाती हैं किसके द्वारा, वेल्डिंग टार्च के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हीट, हीट या ऊष्मा के आधार पर वेल्डिंग प्रक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सभी को पता है जो बेसिक वेल्डिंग प्रोसेस होती है वो कितने प्रकार की हम डिवाइड करते हैं, इसको अकॉर्डिंग टू हीट के अनुसार यहाँ पर हम इसको तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा हो गया आपका, सबसे पहला हो गया आपका न्यूट्रल फ्लेम, जिसमें कि आपका जो ऑक्सीजन है और जो एसिटिलीन है दोनों की मात्रा क्या होती है, समान होती है, तो आपका हो गया न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। इसका प्रयोग बेसिकली कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, जो भी आपके नॉर्मल मेटल होते हैं इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिसमें कंपेयर टू एसिटिलीन ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, जिससे उसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, सॉरी ऑक्सीजन की परसेंटेज थोड़ी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो इसका प्रयोग बेसिकली हम ब्रास और ब्रोंज की वेल्डिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसमें एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो इसका प्रयोग बेसिकली हम स्टेलाइट के लिए करते हैं, या फिर सरफेस हार्डनिंग के लिए भी आपका प्रयोग किया जाता है आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम का। तो बेसिकली तीन प्रकार की फ्लेम होती हैं जो कि प्रयोग की जाती हैं वेल्डिंग में आपकी। नेक्स्ट OAW का है आपसे फॉर्म पूछा गया, OAW का फुल फॉर्म क्या है, तो OAW का मतलब होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर, व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज फॉर थिकर मेटल, मोटी प्लेटों की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो जब भी बात की जाएगी मोटे वेल्डिंग के लिए, तो यहाँ पर प्रयोग की जाती है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग मेथड प्रयोग की जाती है, तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बेसिकली प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग हम करते हैं जितने भी आपके फेरस मेटल होते हैं या जो मोटी प्लेटें होते हैं, इन दोनों की वेल्डिंग के लिए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग की बात की जाए, तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग होती है ये सभी प्रकार के फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के लिए मेटल के लिए प्रयोग की जाती है। इसकी विशेषता होती है कि जो इसके फ्लेम का टेम्परेचर होता है अन्य कंपेयर टू जो अदर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती हैं, उसके कंपेयर में इसके आर्क का टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है, किसके, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग के, फेरस नॉन फेरस दोनों प्रकार के मेटल के लिए प्रयोग करते हैं। मैनुअल आर्क वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, सॉरी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग की भी बात की जाए, तो इसका प्रयोग बेसिकली फेरस मेटल के लिए किया जाता है। किसका, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रयोग फेरस मेटल के लिए करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, फिलर मेटल को फीड करते रहते हैं वायर के फॉर्म में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी शील्डिंग गैस भी प्रयोग की जाती है, जिसके द्वारा जो आपका आर्क है और जो वेल्ड मेटल है उसको क्या किया जा सके, बेसिकली एक शील्डिंग प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि वहाँ पर आपका ऑक्सीडाइजेशन वगैरह ना हो, पोरोसिटी की समस्या वहां पर रिड्यूस की जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की बात की जाए, तो बेसिकली इसका प्रयोग भी फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार की वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक विशेष चीज होती है कि इसमें हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए वेल्डिंग की प्रोसेस करते हैं, किसमें, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which welding process is slow welding process? कौन सी welding process होती है जो कि काफ़ी धीमी होती है, तो ये होती है आपकी कार्बन आर्क welding, ठीक है।
जो बेसिकली कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है, यह भी फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के लिए मेटल के लिए प्रयोग की जाती है, और इसमें हम कार्बन का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सेपरेट फिलर मेटल भी प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होने के कारण बहुत पहले प्रयोग में लाई जाती थी, अब इसका उतना यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग का। बाकी सममज आर्क वेल्डिंग, शील्डेड, एटॉमिक, ये सभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। और जो कि सममज आर्क वेल्डिंग होती है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सी वेल्डिंग है जिसका हम प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, तो होती है आपकी सममज आर्क वेल्डिंग। बाकी इसका हम डिटेल ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट ज्वाइंट शोन इन द सिंबल ए? तो यहाँ पर ए में आपको एक वेल्डिंग का सिंबल दिखाया गया, पूछ रहा है ये कौन सा वेल्डिंग का सिंबल है। तो बेसिकली क्या है आपका, बी के टाइप में है, इसलिए आपका हो जाएगा वी बेल्ट। ठीक है, सिंगल वी बट बेल्ट, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, सिंगल बी बट बेल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका। दूसरे वाले की बात कीजिए जो बी ऑप्शन में दिया गया, ये बेसिकली फ्लेट को दर्शा रहा है, ये आपका कन्वेक्स को दर्शा रहा है, ये आपका कनकेव को दर्शा रहा है। ठीक है, तो बेल्डिंग के क्या है, कुछ सिंबल है। ठीक, अब यहाँ पर अगर स्क्वायर बेल्ट आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो स्क्वायर बेल्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार से, तो आपकी लाइनें होती हैं। सिंगल जेब बेल्ट पूछ लिया जाए तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपकी बन के आती है, ये हो जाती है सिंगल जे बट बेल्ट का ये सिंबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ डी में दिए गया है, डी में एक आपको फिगर दिया गया है और पूछ रहा है कि ये किसका सिंबल है। ठीक है, तो इसको भी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कन्वेक्स है नहीं, कनकेव है नहीं, फ्लैश नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, फ्लैट फ्लैश बी बट बेल्ट विथ बैकिंग रिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 23 का। ठीक है, ये क्या है, तो ये है आपका फ्लैश है, बी बट बेल्ट है विथ बैकिंग रिंग के साथ। यहाँ पर हमने जो अदर चार चार ऑप्शन दिए गए हैं उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा से यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी बिल्डिंग को यहाँ पर किस प्रकार के सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात की जाए, जो अगर मान लो इस प्रकार का आपका सिंबल जो कि सबसे पहला वाला सिंबल है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्लैश सिंगल बी कहते हैं। ठीक है, फ्लैश सिंगल बी बेसिकली भी बट बेल्ट ही। ठीक है, ये सभी किसके हैं, बट बेल्ट के हैं। दूसरा वाला कुछ आपका एक्स बना हो, नीचे ऊपर आपका थोड़ा सा राउंड हो, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स डबल वी बट बेल्ट। ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स डबल वी बट बेल्ट, जिसका बेसिकली जो रूट है कुछ इस प्रकार से रूट प्रिपरेशन किया जाता है। तीसरा वाला सिंबल इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाए, तो एक कन्वेक्स फिलेट बेल्ट होता है। ठीक है, अगर केवल आपसे मान लो कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बना दिया जाए और पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ये आपका फिलेट बेल्ट है। ठीक है, और ऊपर चूंकि इसके कन्वेक्स शेप जुड़ा है, तो इसलिए ये कन्वेक्स फिलेट बेल्ट हो गया। और लास्ट वाला जो आपका यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया था, जो कि हमने देखा है, ये क्या है, फ्लैट सिंगल वी बट बेल्ट है। ठीक है, विथ क्या है यहाँ पर, आपके बैकिंग रन भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ जो यहाँ पर एक्स्ट्रा थे वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुई व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट इफ टू मेंबर वेल्डेड इन द सेम प्लेन? अभी यहाँ आप देख ले, दोनों क्या है एक सेम प्लेन में ही यहाँ आपको दिखाए गए हैं, इसमें भी और दूसरे वाले में भी, यहाँ आपको दोनों सिंगल सेम प्लेन में दिखाए गए हैं, यहाँ भी आपको सेम प्लेन में दिखाया गया है। तो बेसिकली ये क्या है, तो ये आपके बट बेल्ट होती है। तो जब भी एक सेम प्लेन में बात की जाए वेल्डिंग की, तो क्या होती है आपकी, बट बेल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which among the joints are covered under fillet group? T joint, lap joint, corner joint, edge joint? तो basically आपके जो सभी प्रकार के joint होते हैं ये fillet group के अंदर ही आते हैं, चाहे आपका T हो, lap हो, corner हो, edge हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका क्या आता है, fillet group के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग रूट गैप? बेसिकली जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी, होती है रूट प्रिपरेशन, वेल्डिंग रूट प्रिपरेशन। तो रूट का प्रिपरेशन क्यों किया जाता है, उसके क्या कारण है, टू ओवर सम अंडर कट, टू कंट्रोल डिस्टोर्शन, टू गेट गुड पेनिट्रेशन, गैप गेट क्लोज ड्यू टू एक्सपेंशन। तो बेसिकली यहाँ पर डिस्टोर्शन को भी कंट्रोल करता है, आसानी से आपका जो फिलर मेटल होता है वो फ्लो करता है, और उसके कारण पेनिट्रेशन काफी अच्छी आती है। तो एज पर करेक्ट देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा
टू गेट गुड पेनिट्रेशन, अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए बेसिकली यहाँ पर हम रूट गैप तैयार करते हैं। और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेज है उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, एक अपने स्क्रीनशॉट के थ्रू। वन मिनट, जस्ट सेटिंग। हाँ तो यहाँ हमें को क्या देखना है कि जो रूट गैप होता है इसका बेसिकली पर्पज क्या होता है बिल्डिंग में। तो सबसे जो मेन पर्पज होता है इंश्योरिंग पेनिट्रेशन, ठीक है, ये गुड रूट गैप, बेसिकली रूट गैप अलाउ बिल्डिंग हीट टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द जॉइंट। बेसिकली जो हम रूट गैप बनाते हैं इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बिल्डिंग की हीट होती है काफी अंदर तक, काफी आपकी डेप्थ तक क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। इसीलिए मैक्सिमम देखो बी के शेप में, जे के शेप में यहाँ पर आपके रूट गैप बनाए जाते हैं। दिस इंश्योर ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द पीस बिल्डिंग बिल्डेड एंड हेल्प अचीव फुल पेनिट्रेशन। इसके कारण क्या होता है, जो भी हम पीस को बिल्ड कर रहे होते हैं उसकी जो बॉन्डिंग होती है काफी अच्छा जोड़ यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपका मेटल है, ठीक है, वो क्या करता है आपका कूल डाउन होने पर, मतलब हीट होता है तो क्या करता है एक्सपेंड करता है, कूल डाउन होता है तो श्रिंक करता है। तो इन दोनों को भी वो क्या करती है एडजस्ट करती है। अगर रूट गैप आप अच्छा देते हैं तो उसको एक्सपेंशन के लिए अलाउ करती है हीट होने पर, और कूल होने पर आपके जो श्रिंकेज होती है उसको भी क्या कर सकती हो कंपनसेट कर सकती हो। इसके कारण वहां पर आपका अलाइनमेंट प्रॉपर रहता है और कोई डिस्टॉर्शन वहां पर नहीं होता है। साथ ही साथ जहां पर आपका फिलर मेटल होता है वो इजिली उसमें क्या होता है डिपॉजिट हो जाता है, उसमें इजिली फ्लो होता है, जिसके कारण हमें काफी यूनिफॉर्म और स्ट्रांग बिल्ड प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर बिल्डिंग के डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन हो गया या लेक ऑफ पेनिट्रेशन हो गया, जिसके कारण आपको जो बिल्डिंग क्वालिटी होती है खराब हो जाती है, ये भी क्या होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक, प्रॉपर रूट गैप बनाने से आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन रहेगा, प्रॉपर फ्यूजन होगा, पेनिट्रेशन भी प्रॉपर होगा, जिसकी वजह से आपको हाई क्वालिटी का बिल्ड मिलेगा। तो जो ओवरऑल बात की जाए कि रूट गैप क्यों होता है, तो काफी अच्छा स्ट्रांग और ड्यूरेबल डिफेक्ट फ्री बिल्ड को प्राप्त करने के लिए बेसिकली हम रूट गैप को यहाँ पर हम तैयार करते हैं। तो आशा करते हैं जो रूट गैप था आपको समझ में आया होगा कि रूट गैप बेसिकली क्यों तैयार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू गेट गुड पेनिट्रेशन, अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए रूट गैप यहाँ पर तैयार करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक आपको कटिंग मशीन दिखाई गई है और इसमें पूछा गया है कि यहाँ यक्ष से मार्ग भाग क्या है। तो बेसिकली एक्स क्या है, वर्टिकल एडजस्टमेंट का काम करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर स्पीड कंट्रोल, वर्टिकल कंट्रोल, प्रीहीट कंट्रोल, हॉरिजेंटल कंट्रोल, तो क्या हो जाएगा वर्टिकल कंट्रोल के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पर भी हमने इस मशीन का पूरा फिगर दे दिया है आपको कि आप देख करके इसके जो और पार्ट्स हैं उसके बारे में भी आप देख लें कि मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको बदल दिया गया, किसी दूसरे पार्ट के बारे में पूछ लिया गया, तो उसको भी आप इजीली से कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं देखते हैं और कौन कौन से पार्ट हैं। तो जैसे यहाँ पर जो एक्स से हमको मार करके दिखाया गया था वो क्या था, यहाँ पर आपका वर्टिकल एडजस्टमेंट था। ऊपर आपकी क्या होती है, एक ऑक्सीजन की पाइपलाइन होती है, एक फ्यूल गैस की पाइपलाइन होती है, और दोनों यहाँ पर आकर के आपका कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व यहाँ पर आपका होता है, और दोनों यहाँ पर आकर के आपकी क्या होती है मिक्स होती है। तो ये पूरा आपका यहाँ पर दिखाया गया है एडजस्टमेंट। अब डाउन वाला हो गया आपका ये एक्स वाला वर्टिकल, फिर यहाँ ऊपर दिखाया गया है आपका हॉरिजेंटल एडजस्टमेंट हो गया, स्पीड कंट्रोल यहाँ ऊपर हो गया आपका कुछ, यहाँ पर स्पीड कंट्रोल है, ये करंट की केबल है, ठीक है, ये सारे बहुत सारे पार्ट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। बेसिकली इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है स्ट्रेट लाइन कटिंग के लिए, या फिर बेबल कटिंग के लिए, या फिर सर्कुलर कटिंग के लिए, प्रोफाइल कटिंग के लिए। तो बेसिकली शीट मेटल की कटिंग के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। तो यहाँ पर एक्स से पार्ट को मार्क किया गया है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपकी ब्लो पाइप है, ठीक, या जिसमें बेसिकली इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसका जो मेन पर्पज होता है यहाँ पर आपकी आके दोनों गैसें मिक्स होती हैं, फिर इसके बाद यहाँ से बाहर निकलती है नोजल के थ्रू। यहाँ जो ब्लो पाइप का पार्ट यक्स मार्क किया गया है, ये पूछ रहा है ये क्या है। तो बेसिकली आपका ये ऑक्सीजन कंट्रोल वाला है, ठीक है, बट यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन कटिंग लीवर, चूंकि ये लीवर टाइप में बनाया गया है
ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देता है, कट कर देता है। तो ऑक्सीजन कटिंग लीवर है, ऊपर वाला ये हो गया आपका ऑक्सीजन की इनलेट हो गई, यहाँ पर एसिटिलीन की हो गई, यहाँ पर इसका दिया गया है कंट्रोल, पीछे वाल्व दिया गया है, यहाँ पर इसके वाल्व दिए गए हैं, दोनों आकर के यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, फिर इसके थ्रू आपका फ्लो होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच नोजल शोन इन फिगर रिक्वायर रिप्लेसमेंट ऑफ नोजल। बेसिकली यहाँ पर आपको चार नोजल दिखाए गए हैं, अब चारों नोजल में पूछ रहा है कौन सा ऐसा नोजल है जिसको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो पहले नोजल में देखो तो यहाँ पर जो होल्स दिखाए गए हैं प्रॉपर सारे होल्स हैं, तो इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। यहाँ भी आपके होल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी होल्स दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर जो होल है ये फुल्ली क्या हो गए हैं, ब्लॉक्ड हो गए हैं। ठीक है, ये सारे होल क्या हो गए हैं, यहाँ पर ब्लॉक हो गए हैं, जो डिफरेंट प्रकार के उसमें चिप्स वगैरह हैं, जो अभी फॉरन मेटल्स हैं उसके कारण यहाँ पर सारे होल्स ब्लॉक हो गए हैं। तो इसको हमें क्या करने की जरूरत है, तो इसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत है। जो आपका नोजल डी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टूल इज यूज्ड टू ओपन सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर के वाल्व को खोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, रिंच का, स्पिंडल की का, या फिर कटिंग प्लायर का, या फिर एडजस्ट टेबल स्पैनर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्पिंडल की का। बेसिकली जो आपकी की होती है सिलेंडर की, उसका प्रयोग किया जाता है सिलेंडर के वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए। और एक यहाँ पर बेसिकली प्रिकॉशन रखी जाती है कि जो स्पिंडल की होती है, सिलेंडर की जो की होती है, इसको हमेशा हम सिलेंडर में ही लगा छोड़ देते हैं, इसको हम बाहर नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मान लो आपका कहीं बैक फायर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में या कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में इसको हम जल्दी से क्या कर सकें, क्लोज कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर सिलेंडर की को सिलेंडर में ही लगा छोड़ दिया जाता है, बाहर नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैंड टूल इज यूज टू रिमूव एक्सेस एडेरिंग गैस स्लेग आफ्टर गैस कटिंग। गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाला जो स्लेग होता है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जो नॉर्मल स्लेग होगा उसके लिए तो आप चिपिंग हैमर यूज करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर एक्सेसिव एडेसिंग है, जो अधिक चिपकने वाला स्लेग है, इसके लिए बेसिकली प्रयोग की जाती है चीजल। तो इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीजल हो जाएगा, कि चीजल के थ्रू उसको हम क्या करेंगे, कट करके हटा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक रिबेट दिखाई गई है, पूछी गई है कौन सी रिबेट है, तो बेसिकली कौन सी रिबेट है, तो ये आपकी हो जाती है स्नैप हेड रिबेट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्नैप हेड रिबेट, जिसका प्रयोग बेसिकली करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर वर्क के लिए। पैन हेड रिबेट बेसिकली अगर पूछी जाए, तो पैन हेड का शेप थोड़ा सा कुछ आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, पैन हेड रिबेट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्नैप हेड रिवेट हो जाएगा। बात की जाए जो अदर टाइप के रिवेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि अदर कौन कौन से यहाँ पर रिवेट बेसिकली यूज किए जा सकते हैं। तो पहला यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर पूछा गया था, ये क्या है, स्नैप हेड रिवेट है। देन यहाँ पर ये बेसिकली आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कार्यों में यूज किया जाता है। देन आपका ये काउंटर सिंक हेड रिवेट होता है, जिसका बेसिकली हम प्रयोग करते हैं जहाँ पर आपको मान लो उभार से जो आपका बेसिकली जो आपका ज्वाइंट के सरफेस में रखना है, सरफेस ऊपर हमें उभार नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका हो गया ओवल काउंटर सिंक रिवेट। देन यहाँ पर आपका मशरूम हेड रिवेट हो गया, बेसिक नॉर्मल फेब्रिकेशन कार्यों में काफी हल्के कार्यों के लिए यूज करते हैं। पैन हेड रिवेट ये हो गया, इसका काफी बार यहाँ पर यूज पूछा जाता है आपसे, जो कि हैवी कंस्ट्रक्शनल वर्क में प्रयोग किया जाता है, कौन सा आपका पैन हेड। फ्लैट हेड रिवेट सीट के बराबर ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली कुछ टाइप ऑफ रिवेट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइप ऑफ सोल्डरिंग कैन बी क्लासिफाइड। सोल्डरिंग को कितने प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, तो बेसिकली कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। कौन कौन सा, एक होता है आपका हार्ड सोल्डरिंग, ठीक है, जिसे हम सॉफ्ट सोल्ड, एक होता है हार्ड सोल्डरिंग जिसे हम ब्रेजिंग के नाम से जानते हैं, और एक होता है आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग जो कि नॉर्मल सोल्डरिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, जो कि सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है बिलो 450 डिग्री सेल्सियस की जाती है, ठीक, जो आपकी हार्ड सोल्डरिंग होती है अबव 450 डिग्री सेल्सियस की जाती है, ठीक, जिसे हम ब्रेजिंग कहते हैं। ब्रेजिंग आपका परमानेंट ज्वाइंट के अंतर्गत आ जाता है, और सोल्डरिंग का आपका बेसिकली आ जाता है सेमी परमानेंट के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको एक मशीन दिखाई गई है, पूछी गई है ये कौन सी मशीन यहाँ पर दिखाई गई है, तो बेसिकली क्या है, एक ग्रूविंग मशीन है जिसका हम प्रयोग करते हैं सीम को क्लोज करने के लिए और लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसकी भी यहाँ पर हम फिगर को आपको डिटेल में दिखा देते हैं, ठीक, ये बेसिकली इस मशीन का डिटेल्ड फिगर है।
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस मशीन को हम क्या कहते हैं, तो इस मशीन को हम सीमिंग मशीन कहते हैं, ठीक, या इसी को ग्रूविंग मशीन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जो भी आपकी ग्रूव्ड सीम होती है उसको क्लोज करने के लिए या फिर लॉक करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट कई सारे पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर आपको एग्जाम यहाँ पर फिगर में दिखाए गए हैं, हो गया क्रैंक, हो गया क्रैंक हैंडल, हो गया बॉडी, हो गई, ठीक है। यहाँ पर ग्रूविंग का आपका टूल हो गया, हॉर्न, लैच, आर्म, कैरिज, तो कई सारे यहाँ पर पार्ट्स आपको इसमें दिखाए गए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1 मिनट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट आर यूज्ड इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल में किस प्रकार के जॉइंट का प्रयोग किया जाता है, रिवेट जॉइंट, बोल्ट नट, ब्रेजिंग या फिर सोल्डरिंग। तो शीट मेटल में किसका प्रयोग करते हैं, रिवेट जॉइंट का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार। यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की रिवेट्स का प्रयोग करके दो सीटों को आपस में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाया गया है, नेम द वोल्टेज शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक बेसिकली वोल्टेज का अरेंजमेंट, आपको बताना है कि किस प्रकार का वोल्टेज है, ठीक है। ऑप्शन है आर्क वोल्टेज, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट या फिर रिवर्स सर्किट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपका ये इलेक्ट्रोड वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका बेस मेटल है, इसके बीच में आपकी आर्क है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा गया है नो आर्क, मतलब कोई भी आर्क नहीं है। तो आर्क आपकी नहीं है तो अब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आर्क होती तो इसे हम क्या कहते, क्लोज सर्किट कहते। इसका आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, बेसिकली आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में तो यहाँ पर आप बेसिकली इसका फिगर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको दो सर्किट दिखाई गई हैं, यहाँ पर आपकी नो आर्क है, यहाँ पर कोई आर्क नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी आर्क दिखाई गई है, आर्क उपलब्ध है, तो इसे आप चाहे क्लोज सर्किट कहो या फिर आर्क वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं दोनों फिगर में आपको अंतर समझ आया होगा। यहाँ पर छोटी सी आर्क दिखाई दे रही है और आर्क लिखा होगा, यहाँ पर कोई आर्क नहीं है, नो आर्क लिखा होगा, इसलिए इसे ओपन सर्किट वोल्टेज के नाम से जानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच वन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का बात करो, चाहे हीट का बात करो, उसका सबसे अच्छा यहाँ पर कंडक्टर होता है कौन सा होता है, कॉपर। कॉपर क्या है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। बाकी वुड हो गया, माइका हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी क्या है, सभी आपके इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टिव मटेरियल होते हैं, ठीक। इनके द्वारा कोई हीट और उष्मा को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी क्या है, काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं जिसके द्वारा आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को और जो भी आपके हीट है उसको एक भाग से दूसरे भाग पर ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंसुलेटर पूछा गया कि कौन सा इंसुलेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है, व्हिच वन इज इंसुलेटर, ठीक। तो इंसुलेटर में रबर, कॉपर, कार्बन या एल्यूमिनियम, तो ये क्या है, रबर। रबर बेसिकली आप क्या है, इंसुलेटर है, जिसके द्वारा यहाँ पर हीट और ऊष्मा को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, रजिस्ट करता है। बाकी कॉपर की बात की जाए, कार्बन की बात की जाए, एल्यूमिनियम की बात की जाए, ये सभी तीनों की तीनों क्या है, आपके कंडक्टर है, जो कि काफी अच्छे हीट और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आपके 38 ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की दो प्रणाली कौन सी होती है, तो आप सभी को पता है, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है ड्राइव, ठीक है, फंडामेंटल और दूसरा होता है ड्राइव। फंडामेंटल जो आपका बेसिकली मौलिक होता है, जो आपकी साथ होती है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा होती है सभी आपकी क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल पूछा गया है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट का एग्जांपल यहाँ पर कौन कौन सा है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेंथ, मास, वॉल्यूम। वॉल्यूम गलत है, लेंथ, मास, टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए, तो यहाँ पर एरिया है जो कि ये ड्राइव क्वांटिटी है, यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों की दोनों क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज हैं। तो ऑप्शन दो यहाँ से सही हो जाएगा, लेंथ हमारा लंबाई, ठीक है, मीटर, मास, द्रव्यमान किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में मेजर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपकी एम्पियर आ जाएगी, विद्युत धारा हो गया, ज्योति, तीव्रता, कैंडला हो गया,
पदार्थ की मात्रा मोल हो गया, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई आपकी, ठीक है। तो ये सभी क्या बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा बाकी सब आपकी आ जाती हैं, डिराइव्ड आ जाती हैं। नेक्स्ट एमकेएस में एम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एम का मतलब होता है बेसिकली मीटर, एम का मतलब क्या होता है मीटर होता है, के का किलोग्राम, और एस का मतलब क्या होता है सेकेंड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो एक इंच में बेसिकली आपके 25.4 होते हैं, कितने होते हैं, एक इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं, या फिर 2.54 सेंटीमीटर आप बात कर सकते हो, ठीक। तो एक इंच में 25.4 मिलीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 529 का आपको स्क्वायर रूट पूछा गया है, तो आपको बेसिकली 30 तक स्क्वायर रूट और 20 तक कम से कम क्यू रूट याद होने चाहिए। तो 529 किसका आपका स्क्वायर रूट, तो आपको बेसिकली 23 का। 23 का वर्गमूल क्या होता है, 529 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.456 को आपको क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो जब इसको आप बदलोगे तो जैसे मान लो 0.456 है, इसको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है, सॉरी भिन्न प्रतिशत में बदलना है। भिन्न क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है 1/100। कोई भी संख्या जिसको आप गुणे 1/100 के रूप में लिख सको, फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिवाइड बाय 1/100 यहाँ पर आपको लाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पर दशमलव हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएं तो नीचे क्या होगा, 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, नीचे 3 जीरो आ जाएगा, लेकिन हमें नीचे चाहिए कितने, 2 ही जीरो चाहिए। तो 1 जीरो को हटा के यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 45.6, क्या हो जाएगा, 45.6, ठीक है, गुणे 1/100, ठीक है। इसको आप भी लिख सकते हैं, गुणे 1/100, ठीक। इस वाले को आप अब 1/100 के स्थान पे किया जाता है, परसेंटेज आ जाता है, तो टोटल इसका करेक्ट हो जाएगा 45.6। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है सिंबल ऑफ मटेरियल, तो इसके लिए हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की पीडीएफ की तरफ ले चलते हैं, जो डिफरेंट यहाँ पर सिंबल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मेटल बात की जाए, मेटल में स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, और इसके अलावा को आपको यहाँ सीधा 45 डिग्री की जो है आपकी 45 डिग्री की जो लाइन होती है उसके द्वारा दिखाया जाता है, सिंगल लाइन के द्वारा। देन लेड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल, इसको 45 डिग्री की दो लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। ग्लास का कुछ इस प्रकार से आपका सिंबल होता है। देन पोर्सलिन, स्टोन वेयर, मार्बल, इसका सिंबल कुछ 45 डिग्री पर डॉटेड लाइन। देन एस्बेस्टस फाइबर, सिंथेटिक रेजिन, रबर, लेदर, वैक्स होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से 45 डिग्री की आपकी सीधी क्रॉस लाइन है, फिर उसको हॉरिजेंटल लाइन से कट किया गया है। वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, इसको आपका सिंग बेसिकली हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। वुड और प्लास्टिक का स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है, और कंक्रीट का कुछ यहाँ पर ट्रेंगल, बेसिकली आपका जो छोटा छोटा ट्रेंगल होता है और आपका फील्ड ट्रेंगल के द्वारा दिखाया जाता है। तो बेसिकली कुछ आपके हैं एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में आपको रखने हैं यहाँ पर कन्वेंशन, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये किसका प्रतीक है, तो बेसिकली ये लिक्विड का हो जाएगा, चाहे वाटर हो चाहे ऑयल हो, इसका प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, तो ये आपका वुड का हो जाएगा, लकड़ी का यहाँ पर एक कन्वेंशन सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है, कौन सा उपकरण दिखाया गया है, तो बेसिकली आपका क्या है, प्रोटेक्टर है, चांदा है, जिसके द्वारा हम 1 डिग्री की एक्यूरेसी में एंगल की मार्किंग या चेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया है ये कौन सा सेट स्क्वायर दिखाया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ड्राइंग से पूछे जाते हैं, कई बार फिगर से पूछे जाते हैं, कई बार स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या है, तो ये यहाँ आप पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये दोनों साइड पर क्या है, 45 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे 45 डिग्री सेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास यूज टू ड्रॉ फॉर, कंपास का प्रयोग क्या ड्रा करने के लिए किया जाता है, तो कंपास का प्रयोग बेसिकली हम प्रयोग करते हैं छोटा आपका कोई सर्किल है उसको ड्रा करने के लिए, या कोई आर्क है उसको ड्रा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारा टाइटल ब्लॉक होता है, जो आपकी ये ड्राइंग शीट है, तो ड्राइंग शीट में नीचे की तरफ होता है और आपके राइट हैंड साइड में, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो टाइटल ब्लॉक का फॉर्मेट होता है वो सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर एक यहाँ से दिया गया ये करेक्ट है, दो में गलत है चूंकि ऊपर चला गया है, तीसरे में भी गलत है, लेफ्ट हैंड ऊपर चला गया, चौथा भी गलत है कि लेफ्ट हैंड राइट चला गया। तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टाइटल ब्लॉक की पोजीशन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, टू बी इन ए जॉब और वर्क, एक नौकरी में होना या काम में होना तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इम्प्लॉयड, ठीक है, वो रोजगार कहलाता है। जब आप किसी काम में होते हैं, किसी नौकरी में होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इम्प्लॉयड कहा जाता है। द एबिलिटी टू डू इज, किसी भी काम को जो करने की क्षमता होती है वो आपकी क्या कहलाती है, तो कहलाती है स्किल। स्किल का मतलब होता है कि आप किसी काम को करने के योग्य हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकसित मानसिकता वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा किस लिए तैयार रहता है, तो हमेशा सीखने के लिए, अपने अंदर में बदलाव लाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो टू ग्रो, टू चेंज एंड टू लर्न, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए, चेंज करने के लिए, कुछ चीजों को सीखने के लिए हमेशा वो क्या करता है, तैयार रहता है, ठीक है। बाकी यहाँ जो ऑप्शन है रिलैक्स ये भी गलत है, कीप क्वाइट ये भी गलत है, बी केम रिच ये भी गलत है, ठीक है। तो ग्रो, चेंज एंड लर्न के लिए हमेशा व्यक्ति तैयार रहता है। बेसिकली यहाँ पर जो इम्प्लॉयबिलिटी के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फिटर सेट वन के क्वेश्चन थे उससे ऑलमोस्ट सेम मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पर इसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिर ईजी लग रहे होंगे, आपको रिविजन के फॉर्म में लग रहे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं जो प्रीवियस वीडियो होती है वो देखना जरूरी होता है, चूंकि एक दूसरे से सारी क्या होती हैं, लिंक होती हैं। जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन लास्ट 5 ईयर, तो कौन सी जॉब है, ओला की, उबर की या स्विगी की या स्टडी बूथ की। तो जो स्टडी बूथ की जॉब है तो पिछले 5 सालों में क्या हो गई है, आउटडेटेड हो गई वाली, बाकी ओला उबर स्विगी अभी करंट ट्रेंड में चल रही है। 21st century वर्क प्लेस स्किल हेल्प टू गेट एम्प्लॉयड, जो 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो किस स्थिति में मदद कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो, या इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, जब मार्केट बदल रहा हो तो भी, या फिर केवल जब बाजार बढ़ रहा हो, या केवल उच्च योग्यता के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, अगर आप स्किल्ड हैं तो मार्केट कीप चेंजिंग, आपका ट्रेंड बदलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्टिल जॉब मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिक्स, नैतिकता का अर्थ क्या होता है। डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, और नेम ऑफ ए सिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल और नॉट रिलेवेंट टू द सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यह तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है, यही क्या होती है, इथिक्स होती है, नैतिकता होती है। वैल्यूज आर, मान क्या है, ठीक है, समयनिष्ठ, नॉट पंक्चुअल, मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, वेरी कॉस्टली, All have same value। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा motivates our attitude and action, जो भी आपकी values होती हैं आपके दृष्टिकोण आपकी कार्रवाई को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो values are motivates our attitude and actions। Next question, dash 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 is a brief statement about purpose and principle of the constitution, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कौन देता है, तो ये होता है द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल प्रस्तावना होता है ये संक्षिप्त विवरण देने का काम करता है, ठीक। जिस प्रकार से जो आपका सिलेबस है या जो उसका आपका जो परिचय होता है वो क्या काम करता है, उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने काम करता है, इसी प्रकार जो संविधान की प्रस्तावना है उसका जो शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त में उसका उद्देश्य और उसके सिद्धांत के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है इम्प्रॉपर टर्म को, अनुचित पद को पहचानना है। तो ग्रीन पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, तो यहाँ पर ग्रीन पॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इन सभी से मैच नहीं करता। बाकी वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉल पॉल्यूशन, ये सभी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, लेकिन ग्रीन पॉल्यूशन कोई आपका पॉल्यूशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियंस और नो रिलीजियस आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सेकुलर देश। बेसिकली यहाँ पर जो हिंदी वाला होता है उसमें थोड़ा सा गलती होता है, तो आप क्या करिए, चूंकि ये गूगल ट्रांसलेट होते हैं तो कई बार समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए अंग्रेजी वाला क्वेश्चन को पढ़कर आप ट्राई क्या करिए कि आंसर देने के लिए, जिससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियस, सभी धर्मों से, आर नो रिलीजियस, कोई भी उनका धर्म नहीं है, आर ट्रीटेड इक्वली, समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है सेक्युलर कंट्री में, जो धर्म निरपेक्ष देश होते हैं, यहाँ पर किसी बेसिकली कोई कास्ट या रिलीजियस को वैल्यू नहीं दी जाती है, सभी को इक्वली यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सेक्युलर कंट्री, और जहाँ पर किसी एक विशेष धर्म, एक विशेष संप्रदाय का बोलचाल चलन होता है, वहां पर उसे हम नॉन सेक्युलर के अंतर्गत रखते हैं, गैर धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट डैश 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 इज अ मेजर चेंज टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख परिवर्तन क्या है, तो उसे किस क्रांति के नाम से जानेंगे, तो उसे हम हरित क्रांति, इंडस्ट्रियल क्रांति, वाटर क्रांति या फूड क्रांति क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाएगा इंडस्ट्रियल क्रांति, उद्योग क्रांति के नाम से जानते हैं। बाकी जो ग्रीन क्रांति आपकी खेती की हो जाएगी, वाटर जल के लिए, फूड भोजन के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो बेसिकली जो पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी आपकी, हुई थी 18वीं शताब्दी के मध्य में, अराउंड 1750 से 1755 के मध्य यहाँ पर हुई थी, जिसमें बेसिकली आपकी मशीनरीज का प्रयोग वहाँ पर उस टाइम पे प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड स्किल, कठिन कौशल क्या है, ऑप्शन है क्विक लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट या 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग या फिर स्पोकन इंग्लिश। तो क्विक लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट और स्पोकन इंग्लिश, ये सभी आपकी सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती हैं, जबकि 60 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग स्पीड है ये क्या है, आपकी हार्ड स्किल के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, टू नो योर ऑफिस, नो योर सेल्फ, नो योर इंस्टीट्यूट या नो योर कंट्री। तो टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट नो योर सेल्फ, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा, तभी आप अपनी जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आपकी कमियां हैं, आपकी खूबियां हैं, जब आप उसको जानेंगे तभी आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू नो योर सेल्फ, खुद को जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम या मैनेज टाइम या फिर हार्ड स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का मतलब हो जाएगा कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, जो भी आपका टास्क है वो दिए गए गिवन टाइम पे, सर्टेन टाइम पे आपको पूरा करना है, वही आप क्या कहलाता है, टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, ये रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम किस प्रकार से होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, फैंसी एंड कलरफुल, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल इंफॉर्मेशन या हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशन। तो आपका जो रिज्यूम है वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा से छोटा जितना आप बना सकें, और सटीक शब्दों में अपनी सभी बातों को वहां पर आपको स्पष्ट करना होता है। तो रिज्यूम शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ठीक है, जो कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, रिज्यूम भेजते हैं, तो जितना शॉर्ट और जितना सटीक होगा उतना ही वहां पर जो इंटरव्यूअर होगा, जो वहां पर शॉर्टलिस्ट कर रहा होगा, उसको इजी होगा आपको फिल्टर आउट करने में। नहीं तो अगर मान लो आपका फैंसी कलरफुल है तो बिना पढ़े ही उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। काफी लंबी विस्तृत जानकारी दे रखी है तो उतना किसी के पास टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए। वहां पर एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स का प्रयोग नहीं करना है, किसी चीज को आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, कोई है तो उसका फुल फॉर्म लिखिए। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों से बचना चाहिए, शॉर्ट और प्रिसाइज रूप से रिज्यूम को तैयार करना चाहिए, ट्राई टू फिनिश इन विद इन ए सिंगल पेज। ये रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है वो क्या कहलाता है, सीवी कहलाता है या जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है या रिज्यूम कहलाता है या नौकरी के लिए आवेदन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया है जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण
किसी भी आपका जो कार्य है, किसी भी पद के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ड्यूटीज हैं, इस सब के बारे में कहाँ वहाँ विवरण में मिलेगा, किस विवरण में मिलता है। तो जब आपका जॉब ओपनिंग आती है तो उसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। CV मतलब सर्कुलर राइटर, ये कहा होता है आपका पर्सनल रिज्यूम ही होता है, ठीक है। जॉब अप्लीकेशन आपका डिफरेंट हो गया। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, इंटरव्यू को अटेंड करना चाहिए। जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आए तो अपियर एट द इंटरव्यू, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी जॉब का ओपनिंग आती है उसका बेसिकली आपका रिक्वायरमेंट आता है, फिर उसको आप डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर आप उसके बेसिस पे अपना रिज्यूम तैयार करते हैं। रिज्यूम तैयार करने के बाद आप अपना रिज्यूम भेजते हैं, ठीक है। रिज्यूम भेजते हैं, वहां पर आपका शॉर्ट लिस्ट होता है, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आता है, देन आप जाकर के इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। तो ये होता है आपका पूरा चयन प्रोसेस। चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस डैश 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 एनिमल डू यू लाइक, बेसिकली पूछ रहा है आप कौन से जानवर को पसंद करते हो, तो कौन से के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, व्हिच। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हिच एनिमल डू यू लाइक, किस जानवर को आप पसंद करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए शब्दों में रोहन के बाद सही विराम चिन्ह का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। तो रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो रोहन डेविड और राम क्या कर रहे हैं, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। यहाँ रोहन के बाद आपको क्या लगाना है, कॉमा लगा देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमा, अल्प विराम, ठीक है। तो रोहन कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक। तो रोहन के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा लगा देना है, करेक्ट आंसर ही आपका हो जाएगा कॉमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन का मतलब होता है आप कैसे हैं। तो जब कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे, वेरी वेल, एंड यू, या थैंक यू, एंड यू, या नेक्स्ट सेम टू यू, या ऑन वेकेशन एंड यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी आपसे कोई पूछे हैव यू हैव बीन, आप कैसे हैं, तो उत्तर देंगे वेरी वेल एंड यू, ठीक है, और आप कैसे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों की सही प्रतिक्रिया चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कब हुआ। तो बेसिकली आपको टाइम पूछ रहा है, एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8:10:30 लास्ट नाइट, कल रात को रात 10:30 पर एक्सीडेंट हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि व्हेन पूछ रहा है, अगर पूछता व्हेयर तो होटल हो जाता, ठीक है, या आपका डायरेक्ट ना पूछ के पूछता, मतलब व्हेयर पूछता तो आपका हो जाता होटल, या फिर और किसी अन्य तरीके से पूछता तो अदर ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली व्हेन पूछा गया आपसे, टाइमिंग एग्जैक्ट पूछी जा रही है, तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द टेंस ऑफ द वर्ब, यहाँ पर आपके वर्ब के टेंस को करेक्ट यहाँ पर चूज करना है। आई डैश 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 म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, बेसिकली मैंने म्यूजिक को क्या किया, जब मैं छोटा बच्चा था, तो छोटे बच्चे थे उस समय हमने क्या किया, म्यूजिक को सीख लिया। अब चूंकि यह है पास्ट टेंस की बात की गई है, तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आई लर्न्ड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने म्यूजिक को सीख लिया था, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, CV को किस अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है, सर्कुलम बाइट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हम रिज्यूम के नाम से जानते हैं, चाहे रिज्यूम कहिए या फिर CV कहिए, दोनों एक ही है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ कंपेरेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर आपको तुलनात्मक शब्द से क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। योर पेंसिल इज डैश डैश देन माइन, आपकी पेंसिल है मेरे की तुलना में। तो यहाँ पर जब आप कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो वो आपकी सेकेंड वर्ब ऑफ सॉरी बेसिकली आपकी सेकेंड उसकी होती है, पहला होता है आपका, तीन डिग्री होती है यहाँ पर किसी भी वर्ब की, ठीक है, एक फर्स्ट, एक सेकेंड, एक थर्ड, जैसे आपका शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपका जो पहला होता है इंपरेटिव हो गया, जैसे ये शार्प हो गया, तो ये क्या हो गया, इंपरेटिव हो गया, सार पर ये क्या हो गया, कंपरेटिव हो गया, अब शार्पेस्ट क्या हो जाता, सुपरलेटिव हो जाता, जो कि क्या है, सबसे अच्छी है। बट यहाँ पर दो के बीच तुलना कर रही, तो तुलना करने के लिए आपका कंपरेटिव का प्रयोग किया जाता है, जो कि हो गया शार्प के बाद शार्पर, तो ठीक है। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, आपकी पेंसिल मेरे से क्या है, अधिक शार्प है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है शार्पर का, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए आप
अधिक बुद्धिमान है मेरी तुलना में, तो यू आर वाइजर देन मी, तो वहां पर जैसे वाइज हो गया तो वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ठीक है। जैसे हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, ठीक, हार्ड मतलब कठिन है, दो तुलना की जाए कठिन का तो हार्डर हो गया, सबसे ज्यादा कठिन है तो हार्डेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से तीनों बेसिकली डिग्रीज होती हैं, ठीक, किसी भी वर्ब की या किसी भी बेसिकली जो भी आपकी एडजेक्टिव होती है उसकी डिग्री होती है, ठीक। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन बेल्टर ट्रेड के सेट वन के, जिसको आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि वीडियो को थोड़ा जल्दी फिनिश करना होता है इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, ठीक है। आप उसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। आपका कोई फीडबैक होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर करिएगा जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, साथ ही साथ हमको भी इससे क्या मिलता था, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।